हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ऑलरेडी मैं आपको करा चुकी हूँ मीनिंग, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च। बहुत डिटेल में मैंने बहुत रिसर्च करके वो वीडियो बनाई थी, यू मस्ट वॉच दैट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगी। अगर आपने वो वीडियो देखी है तभी आप ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, इससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी कितनी ज़्यादा कंसेप्ट बिल्डिंग है और कितना जो है आपको वो कंसेप्ट समझ में आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन इज फंडामेंटल रिसर्च रिफ्लेक्ट्स द एबिलिटी टू अबिलिटी टू। तो देखो, सबसे पहले तो आपको फंडामेंटल रिसर्च का मतलब पता होना चाहिए। अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको पता होगा फंडामेंटल रिसर्च को हम बेसिक रिसर्च भी बोलते हैं। जनरली इसमें हम थ्योरीज बनाते हैं और बेसिकली थ्योरेटिकल इन नेचर होती है। थ्योरीज वगैरह बिल्ड करते हैं, इस वाले में नए प्रिंसिपल्स बनाते हैं और उन्हीं प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया जाता है अप्लाइड रिसर्च में। ये हमने किया था बहुत डिटेल में। तो फंडामेंटल रिसर्च रिफ्लेक्ट्स द एबिलिटी टू सिंथेसाइज न्यू आइडियाज, एक्सपाउंड न्यू प्रिंसिपल्स, इवेल्युएट द एग्जिस्टिंग मटीरियल कंसर्निंग रिसर्च, स्टडिंग द एग्जिस्टिंग लिटरेचर वेरियस ऑन वेरियस टॉपिक्स। तो देखो, सिंपल सी बात है कि नए प्रिंसिपल्स, नई थ्योरीज हम इसमें बनाते हैं, तो बहुत ईजी और बहुत बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द स्टडी इन विच द इन्वेस्टिगेटर्स अटेम्प्ट टू ट्रेस द अफेक्ट। मैंने आपको बताई थी ये बात, ये बिना ऑप्शन के भी आपको आनी चाहिए कि एक ऐसी रिसर्च जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का पार्ट होती है, जिसमें हमने दो तरह की रिसर्च की थी, एक एक्सपोज फैक्टो और एक हिस्टोरिकल रिसर्च। एक्सपोज फैक्टो में मैंने आपको बताया था ये एक ऐसी रिसर्च होती है जो आप मतलब एक इवेंट को अकर होने के बाद आप रिसर्च करना कंडक्ट करते हो, तो पोस्ट मतलब आफ्टर दी फैक्ट, आफ्टर दी आफ्टर हैपनिंग ऑफ एन इंसिडेंट। तो इसका आंसर क्या होगा, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है द रिसर्च दैट अप्लाइज द लॉज एट द टाइम ऑफ फील्ड स्टडी टू ड्रॉ मोर एंड मोर क्लियर आइडियाज अबाउट द प्रॉब्लम। तो December 28 का क्वेश्चन है ये। यहाँ पे पूछा हुआ है कि एक ऐसी कौन सी रिसर्च है जिसको फील्ड स्टडी भी मतलब दैट अप्लाइज द लॉज एट द टाइम ऑफ फील्ड स्टडी, जो भी लॉज है वो फील्ड स्टडी के टाइम पे अप्लाई करते हैं और मोर क्लियर आइडियाज हमें आते हैं। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप ऑप्शन देखो, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, नन ऑफ दीज। तो मैंने आपको बताया था जितने भी हमारे प्रिंसिपल्स हैं फंडामेंटल रिसर्च के, उनको अप्लाई किया जाता है। ये जो अप्लाइड रिसर्च है इसको फील्ड स्टडी भी बोला जाता है। तो जनरली क्यों बोला जाता है फील्ड स्टडी, क्योंकि यहाँ पे आप फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को यूज करते हो, कहाँ पे, फील्ड स्टडी में। तो इसका आंसर क्या होगा, अप्लाइड रिसर्च। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्शन रिसर्च इज, सो एक्शन रिसर्च इज अ रिसर्च कैरिड आउट टू सॉल्व द इमीडिएट प्रॉब्लम। ये आई टोल्ड यू, जहाँ भी वर्ड में हो प्रिवेलिंग, जहाँ भी पेपर में हो प्रिवेलिंग, एग्जिस्टिंग, इम्प्रूवमेंट या करंट या इमीडिएट, मतलब कोई भी ऐसी रिसर्च जो इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए होती है या इमीडिएट डेवलपमेंट के लिए होती है या इम्प्रूवमेंट के लिए होती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कोई भी हमारी प्रेजेंट सिचुएशंस है उसको इम्प्रूव कर रही है, उसको हम एक्शन रिसर्च बोलते हैं। इसको साइक्लिकल रिसर्च भी बोला जाता है। कार्ट लेविन ने ये दी थी 1940s में। सो ये थोड़ा सा आपका ना साथ के साथ रिवाइज भी हो रहा है, इसीलिए मैं आपको ये रिपीट करा रही हूँ। मैनिपुलेशन इज ऑलवेज पार्ट ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सपेरिमेंटल। तो आई होप आपको पता होगा इसका आंसर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ही हम मैनिपुलेशन करते थे, कंट्रोल करते थे चीजों को। वी यूज टू मैनिपुलेट, किसको मैनिपुलेट करते थे हम, जो भी हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम क्या करते थे, मैनिपुलेट करते थे। तो मैनिपुलेट, कंट्रोल, ऑब्जर्वेशन हमारा किसका पार्ट था, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का पार्ट था। सो ये दोबारा से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा द रिसर्च विच इज एक्सप्लोरिंग न्यू फैक्ट्स थ्रू द स्टडी ऑफ पास्ट, मतलब हम न्यू फैक्ट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, बट लेकिन वी आर स्टडिंग द पास्ट। तो एक ऐसी रिसर्च जो पास्ट से रिलेटेड है वो हमारी कौन सी थी, हिस्टोरिकल रिसर्च। उसके बाद हमारा क्या है बच्चों, क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज कैटेगरी ऑफ डेवलपमेंटल रिसर्च। तो जितनी भी रिसर्चेज होती है जनरली वो डेवलपमेंट के लिए ही होती है, तो सारी की सारी रिसर्चेज ही इसका आंसर होगा, ऑल ऑफ दी अबव। उसके बाद है देखो, ये बार बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये मत सोचो कि मैं एक ही क्वेश्चन को बार बार आपको दिखा रही हूँ। ये यही सेम क्वेश्चन 2009 में भी आया था, यही सेम क्वेश्चन 2010 में भी आया है कि एक्शन रिसर्च मीन्स अ रिसर्च इनिशिएटेड। यहाँ पे आपको दिखते ही आपको आंसर समझ आ जाएगा, इमीडिएट प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आया हुआ है 2010 में अगेन, इफ अ रिसर्चर कंडक्ट अ रिसर्च ऑन फाइंडिंग आउट विच एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल कंट्रीब्यूट मोर टू द इंस्टीट्यूशनल इफेक्टिवनेस। तो ये आपको पता होना चाहिए, बेसिकली इसमें हम अप्लाइड इस रिसर्च यूज करेंगे, क्योंकि हमें जो है बेसिकली कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल अच्छा है उसके लिए प्रिंसिपल्स को एप्लीकेबल करना पड़ेगा, और वो क्या है, हमारा अप्लाइड रिसर्च। देखो आंसर में भी इसका अप्लाइड रिसर्च है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मैच द कॉलम है, थोड़ा सा बड़ा है ये,
यहाँ पे हमें बहुत सारी रिसर्चेस दे रखी हैं, जैसे फंडामेंटल, अप्लाइड, एक्शन, इवेल्यूएटिव। आपको चारों का मतलब पता है। फैक्ट फंडामेंटल क्या होती है? बेसिकली जो थ्योरी बिल्डिंग के लिए यूज होती है। तो यहाँ पे आप देखो, डेवलपिंग, सेकेंड ऑप्शन में डेवलपिंग एन इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन थ्रू थ्योरी बिल्डिंग। तो हमें मिल गया कि भाई जो फर्स्ट है उसका कौन सा आंसर होगा, सेकेंड पार्ट। अप्लाइड रिसर्च क्या होते हैं कि उन्हीं प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना। तो एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ थ्योरी फॉर द यूज इन वेरियस सिचुएशंस। तो देखते ही समझ आ गया सेकेंड का हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। उसके बाद एक्शन रिसर्च होता है। बच्चों एक्शन रिसर्च क्या होता है? बेसिकली हम चीज़ों को क्या करते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा इवेल्यूएटिव रिसर्च। इवेल्यूएटिव रिसर्च हमारा होता है चीज़ों को हम क्या करते हैं, इवेल्यूएट करते हैं। तो आप ऑप्शन में देखोगे तो ये फर्स्ट और सेकंड से आपका आंसर मैच हो जाएगा। फिर भी मैं आपको बताती हूँ, बेसिकली सी का क्या होगा फर्स्ट, और डी का हमारा क्या होगा यहाँ पे एक इम्प्रूव, सॉरी, सी का हमारा क्या होगा, इम्प्रूविंग एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन थ्रू द यूज ऑफ इंटरवेंशन। इम्प्रूविंग एन एग्जिस्टिंग, क्योंकि देखो एग्जिस्टिंग सिचुएशन हमारी कहाँ पे आती है, एक्शन रिसर्च में आती है। मैं इसका कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग सिचुएशन थ्रू द यूज ऑफ इंटरवेंशन। तो ये एग्जिस्टिंग सिचुएशन है, किस पे जाएगा, एक्शन रिसर्च पे जाएगा। उसके बाद हमारा इवेल्यूएटिव रिसर्च बढ़ता है। तो इवेल्यूएटिव मत में हम क्या करते हैं बच्चों, बेसिकली हम वी फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ समथिंग। तो यहाँ पे फाइंड आउट द परसीव्ड इम्पैक्ट ऑफ एन इंटरवेंशन। तो देखो यहाँ पे आपको जो है तीन ऑप्शन भी आते हैं, दो ऑप्शन भी आते हैं, तब भी आपका मैच हो जाएगा आराम से। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च स्टडीज इंटरप्रिटेशन बिकम मोर अटेंशन। देखो मैंने आपको बताया था जो रिसर्च कंडक्ट होती है उसके दो तरीके, मतलब दो, बेसिकली उसमें दो आउटकम्स निकलते हैं। या तो आपकी नई थ्योरी जनरेट हो जाती है, या आप पुरानी थ्योरी को क्या कर देते हो, इंटरप्रेट कर देते हो। दैट इज कॉल्ड बेसिकली रिसर्च। तो इसमें ये पूछा गया है कि भाई कौन कौन सी रिसर्च है जिसमें इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरलाइजेशन आप कम करते हो। तो देखो सिंपल सी बात है, इसमें से आप अपने हिसाब से देखो कि कौन सी हिस्टोरिकल रिसर्च तो है, क्योंकि हिस्टोरिकल रिसर्च में आप कुछ नया नहीं जनरलाइज करोगे, आप जो पुराना है उसी को आप इंटरप्रेट करोगे। तो हिस्टोरिकल तो है ही है। तो ऐसे ऑप्शन जिसमें फर्स्ट नहीं है उसको आप काट दो, बी ऑप्शन डिडक्ट हो गया हमारा, और सी ऑप्शन तो वैसे ही डिडक्ट हो गया क्योंकि इसमें फर्स्ट है ही नहीं। उसके बाद सर्वे स्टडीज, या सर्वे स्टडीज में कुछ नया निकल के आ सकता है क्योंकि हम किसी चीज़ का सर्वे कर रहे हैं, तो इसका ना अभी 50-50 रखते हैं। फिर फिलोसफिकल स्टडीज, फिलोसफिकल स्टडीज जो है बिल्कुल हमारी फिलोसफीज के ऊपर जो हमारी बेस्ड होती है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो थर्ड ऑप्शन किस किस में है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा किस में है, इसमें भी थर्ड है, इसमें भी थर्ड है, मतलब थर्ड तो हमारा है ही है, थर्ड तो ये तो आएगा ही आएगा। अब हमें एक लास्ट देखना है। देखो एथनोग्राफिक्स मैंने आपको पहले भी बताया था, आप किसी किसी भी क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट होता है ये। जब आप किसी भी जगह का उसका कल्चर स्टडी करते हो उसको हम एथनोग्राफिक रिसर्च बोलते हैं। आप उनकी एनवायरमेंट में जाके, सराउंडिंग्स में जाके उनका कल्चर समझ रहे हो, अंडर द स्किन आप जा रहे हो। वो जो है हमारा एथनोग्राफिक होता है, उसमें बेसिकली आप कुछ नया नहीं निकाल रहे हो, पुराना उनका कल्चर ही स्टडी कर रहे हो। तो हमारा आंसर क्या होगा, फर्स्ट, और यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा, थर्ड, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, फोर्थ। तो ये हमारा, या तो आप ऑप्शन डिलीट वाला भी कर सकते हो, या फिर जिस पे आपको श्योरिटी है वो वाला आप टिक कर सकते हो। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये वाला, आप इसको पढ़ सकते हो, रिसर्च दैट फोकसेस ऑन सोशल इनइक्वालिटी। तो देखो ये वर्ड हमने बहुत बार सुना है, फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट ये तो न्यूज में। तो जो वुमेन और मैन के बीच में इक्वालिटी की बात करती है या डिफरेंसेस की बात करती है, वो क्या, वो कौन सी रिसर्च होती है, फेमिनिस्ट रिसर्च। उसके बाद हमारा 2019 में ही क्वेश्चन आया हुआ है, 2019 में क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च टाइप हैज अ पोटेंशियल फॉर एनहेंसिंग टीचिंग कॉम्पिटेंसी। सो मैंने आपको बताया था, जब भी आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिसर्च कर रहे हो वहाँ की इंप्रूवमेंट के लिए, वहाँ की डेवलपमेंट के लिए, वहाँ की चीज़ों को एनहेंस करने के लिए, तो वो हमारी क्या होगी, एक्शन रिसर्च। देखो फेवरेट क्वेश्चन है ये, 2019 में भी घुमा के यहाँ से आया हुआ है। फिर उसके बाद यही 2019 में आया हुआ था कि विच ऑफ द रिसर्च इज साइक्लिक इन नेचर, विच ऑफ द, तो हम ये हमने किया था, एक्शन रिसर्च साइक्लिक होती है। क्यों? क्योंकि इसमें प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, ये इसका प्रोसीजर होता है, ये रिपीट होता रहता है साइकिल्स में, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। तो ये भी हम कर चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आगे हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द आउटकम ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी। देखो बच्चों ग्राउंडेड थ्योरी मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद हो तो, क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट होता है ये, क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट होता है। इसमें बेसिकली हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, कैटेगरीज बनाते हैं, ठीक है, नए नए कंसेप्ट हम डेवलप करते हैं, मल्टीपल रिसोर्सेज से हम डाटा कलेक्ट करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस आई एक्सप्लेन यू इन डिटेल। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन नहीं आएगा, नरेटिव, क्योंकि ग्राउंडेड रिसर्च जो होती है उसमें कंसेप्ट भी होते हैं, कैटेगरीज भी होती है, और हाइपोथेसिस भी होता है। उसके बाद है इन रिसर्च रिलायबिलिटी इज दैट क्वालिटी ऑफ मेजरमेंट ऑफ मेजरमेंट प्रोसीजर विच प्रोवाइड्स। देखो रिलायबिलिटी, ये रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स में टॉपिक कंप्लीट हुआ था। रिलायबिलिटी मतलब मैंने आपको बताया था, बेसिकली जब आप कंसिस्टेंट रिजल्ट्स
प्रोड्यूस करते हो, एक एक सेम पॉपुलेशन है उसको बार बार आप स्टडी कर रहे हो, तो सेम आपके रिजल्ट आने चाहिए, कंसिस्टेंट रिजल्ट आने चाहिए. आपकी जो स्टडी है वो रिपीटेबल होने, मतलब रिपीट आप जब उसको कर रहे हो तो वो कंसिस्टेंट रिजल्ट आपको प्रोवाइड कर रही है, एक्यूरेट रिजल्ट आपको प्रोवाइड कर रही है. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो रिपीटेबिलिटी तो आएगा ही आएगा, क्योंकि इसका दूसरा नाम रिपीटेबिलिटी और एप्लीकेबिलिटी भी होता है रिलायबिलिटी का. तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा ए होगा या डी होगा, तो ये तो कट गया. तो बच्चा क्या, स्पीड में इसका कोई मैटर नहीं करता, ये रिजल्ट शुड बी एक्यूरेट. ठीक है, अगर आपकी जो रिसर्च है आप उसमें आप कंसिस्टेंट रिजल्ट्स होने चाहिए और वो एक्यूरेट होने चाहिए. उसके बाद वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर परफॉर्म बाय द रिसर्चर इन एथनोग्राफिक रिसर्च. सी आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, एथनोग्राफिक रिसर्च इज बेसिकली अ कल्चर रिलेटेड रिसर्च. आप वहाँ के लोगों के साथ उनके एनवायरमेंट में एंगेज होते हो, कॉन्वर्सेशंस करते हो, उनके बारे में समझते हो, उनके बारे में सीखते हो, और जो है ये इस तरह की रिसर्च होती है. आप देखो ऑप्शन नंबर ए, बी, ऑप्शन नंबर सी और डी में. तो यहाँ पे क्या होता है कि देखो, अब यहाँ पे आप देखोगे तो लिसन टू एंड एंगेज इन कॉन्वर्सेशन हमारा आएगा, क्योंकि हम लोगों के साथ जब तक बात नहीं करेंगे, जब तक हम उनको समझेंगे नहीं, तो हम उनके कल्चर को नहीं समझ पाएंगे. उसके बाद हम उनके सेटिंग, सोशल सेटिंग में जाके वहाँ रहते हैं और उनके कल्चर को समझते हैं. तो बी एंड सी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ का करेक्ट आंसर हो जाएगा. अगर आपने वीडियोस देखी हैं तो आई होप आपको ये आंसर्स आने चाहिए. ठीक है, उसके बाद है वेन रिजल्ट ऑब्टेन इन रिसर्च स्टडी कैन बी एक्सटेंडेड. देखो जब हमारे जो रिसर्च के जो रिजल्ट हैं वो लार्जर पॉपुलेशन को एक्सटेंड हो सकते हैं आउटसाइड आर स्टडी, तो उसको हम एक्सटर्नल वैलिडिटी कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए. फिर उसके बाद इन अ पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच टू रिसर्च विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसर्च गॉट एम्फेसाइज. तो देखो ये जो क्वेश्चन है आपका ये पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म से आया है, तो वो टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे, तो यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट. तो ये वाला क्वेश्चन मैं तब के लिए छोड़ रही हूँ. उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च फॉर्मेट फोकसेज ऑन हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड जनरलाइजेशन. तो कौन सी ऐसी रिसर्च है जो हाइपोथेसिस पे फोकस करती है. सी एक्सपेरिमेंटल तो आएगा ही आएगा, एक्सपेरिमेंटल के साथ कौन है, एक्सपोज फैक्टो है, तो ये भी आएगा ही आएगा आपका. तो देखो 2019 के क्वेश्चन हैं ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है अकॉर्डिंग टू वन पैराग्राम ऑफ रिसर्च फॉलोइंग. तो आपको याद करो कौन सा ऐसा कंसेप्ट था जो थ्योरी से स्टार्ट होता था, थ्योरी के बाद उसमें हाइपोथेसिस बनता था, और उसको हम जो है टॉप डाउन अप्रोच भी बोलते थे. डाटा कलेक्ट होता था, डाटा एनालिसिस होता था. तो एक अगर मैंने आपको दो अप्रोचेस कराई थी, इंडक्टिव और डिडक्टिव, तो इसमें मैंने आपको डिडक्टिव में मैंने आपको बताया था कि वो थ्योरी से स्टार्ट होगा, थ्योरी से स्टार्ट होने के बाद बेसिकली वो धीरे धीरे उसमें हाइपोथेसिस बनेगा, फिर ऑब्जर्वेशन होगा, फिर कंक्लूजन आएगा. तो इसको टॉप डाउन अप्रोच भी बोलते हैं. फिर एक बॉटम अप अप्रोच हमने की थी जिसमें ऑब्जर्वेशंस की, ऑब्जर्वेशन के बाद आप पैटर्न एस्टैब्लिश करते हो, पैटर्न के बाद आप हाइपोथेसिस बनाते हो, हाइपोथेसिस के बाद आप एक्चुअली में कंक्लूजन ड्रॉ करते हो. तो ये स्पेसिफिक टू जनरल जाता है, तो ये थोड़ा सा रिवाइज आपका हो गया होगा. तो इसका आंसर क्या है, डिडक्टिव अप्रोच. उसके बाद ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. तो हमने डिटेल में समझ लिया है हमारे कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है. वी हैव कंप्लीटेड मीनिंग, टाइप्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च. सो वी हैव कम्प्लीटेड इन डिटेल. जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, प्लीज़ गो एंड वॉच दैट एंड देन कम टू दिस लेक्चर, और प्लीज़ फिर उनको आंसर करो. यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू आंसर. और मैं आपको पूरी की पूरी रिसर्च एप्टीट्यूड की प्ले लिस्ट कम्प्लीट कराने वाली हूँ. इसके बाद प्लीज़ मैंशन इन द कॉमेंट सेक्शन अगर कोई और यूनिट आपको कम्प्लीट करनी है. थैंक यू सो मच.